मैं हूं श्लीन कौर और कमोडिटी में कमाई की टिप्स देने के लिए हम लेकर आए हैं अपना खास शो कमोडिटी कॉल, जिसमें हम आपको सभी एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज पर कमाई के तरीके बताते हैं और आपको कमोडिटी बाजार की हर खबर से अपडेटेड रखते हैं। आप क्या करें इस वक्त कमोडिटी बाजार में, जानने के लिए फोन करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे कमोडिटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। और आज कमोडिटी से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट्स बुनानजा कमोडिटीज के विभू रतनधारा और साथ इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है कमोडिटी कॉल में। फोकस हम सबसे पहले एग्री कमोडिटीज में करेंगे, जहां पर कैस्टर सीड हम रेगुलरली फॉलो करते आए हैं और आज अगर आप देखें इसमें एक आए गिरावट देखने को मिल रही है, वो भी 2.5% 2.25% की अब आप कह सकते हैं। दोपहर 3 बजे तक हमने देखा था मोमेंटम अपसाइड था, फिर एकदम से इसने यू टर्न लिया और अब ट्रेंड नेगेटिव देखने को मिल रहा है। 4200 के भी नीचे अभी कमोडिटी स्लिप करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 2 दिन पहले ही कैस्टर सीड की जो पैदावार में भारी कमी की आशंका जताई गई थी, इंडस्ट्री ने दावा किया था कि घरेलू खपत के लिए काफ़ी मुश्किल से कैस्टर सीड मौजूदगी रह सकती है, इसके बावजूद इसमें तेज गिरावट आ रही है। तो ये ट्रेंड किस तरह से है, क्या मंदी इसमें अब करनी चाहिए या ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर हो रहा है, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। मनोज जी हाय, गुड इवनिंग। जिस तरह से एकाएक हम गिरावट देखने को मिल रही है, एक दिन पहले ही देश के सारे जानकार कैस्टर पर तेजी का अनुमान जता रहे थे, तो ये गिरावट की वजह क्या है फिर? बिल्कुल, पहले फंडामेंटल की बात करते हैं इश्लिन। जैसा कि आप बोल रहे हैं तो ये वीकेंड में सैटरडे को जो है गुजरात में कैस्टर सीड के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जहां पे पूरे दुनिया भर के जो है एक्सपर्ट्स इकट्ठा हुए थे और जो भी जो प्रोडक्शन है और जो सामने डिमांड रहने वाली है उसके ऊपर जो है डिस्कशन हुआ था। और जो ओवरऑल जो उत्पादन के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, इंडिया जो है अभी लीडिंग जो प्रोड्यूसर है कैस्टर सीड का, तो इंडिया का जो इस बार जो अनुमान है वो 11 से 12 लाख मेट्रिक टन का निकल कर आ रहा है और जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भी 4 से 5 लाख टन के आसपास के अनुमान निकल कर आए हैं। इस तरह से जो टोटल जो अवेलेबिलिटी होगी क्रॉप ईयर 13-14 में वो लगभग 15 से 16 लाख मेट्रिक टन की होगी। और उसके सामने जो दो और जो मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ब्राज़ील और चाइना, तो उनका भी जो उत्पादन इस बार लगभग 15 से 20% कम है। तो उस लिहाज से इंटरनेशनल मार्केट में जो कैस्टर सीड की जो बैलेंस शीट है और जो डिमांड सामने कैस्टर मील और कैस्टर ऑयल का है उस हिसाब से काफ़ी टाइट पोजीशन रहने वाली है। तो जैसा कि ये सम्मेलन होने वाला था उसके पहले हमने जो है जो उत्पादन की जो है लोअर साइड एक्सपेक्टेशन की वजह से प्राइस में एकदम से शार्प बाउंस बैक आते हुए देखा था। जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी के यानी आरजेडी के यहाँ पर स्पीकर कुछ आपको एक्चुअली बोल रहे हैं, आपको सीधा वहीं देख सकते हैं। साजिश है यहाँ बिहार में, नंबर एक, नंबर दो, ये स्पीकर अध्यक्ष का कान में मुजरिम है, ये राजेश जो था गया वाला और बचाने के लिए ये स्पीकर पद की मर्यादा भी समाप्त किया स्पीकर ने, क्योंकि कानून दुनिया के लोग जानते हैं कि दल बदल कानून जो पास हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें 2/3 से कोई दल से आदमी निकल सकता, लेकिन ये 13 विधायकों का हस्ताक्षर करा कर जाली करके जो 9 विधायक आकर के यहाँ करेजा पर खूंटा गाड़ दिया कि मैं राजद में हूँ, राजद में रहूंगा, और इधर उधर कुछ भटके लोग होंगे, तो इस तरह से स्पीकर जहां दल बदल कानून चलाते वहां उन्होंने सुना की नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि उसको व्यक्ति निकाल दिया कि अलग ग्रुप हो गया। तो इसलिए दल बदल कराने का कसूरवार मुख्यमंत्री के साथ स्पीकर भी है, जिनको जो संरक्षक जो रक्षक वही भक्षक, इसीलिए ही घर कोनमा की लड़ाई में फरियाउट नहीं होगा। अब लड़ाई ठनक गई, अब जनता जनसंग्राम होगा, भीषण जनसंग्राम होगा, और देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी है। भाई सुनिए, नीतीश कुमार भाग गया, आरजेडी जाग गया।
तो आपने सुना यहाँ पर रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के लीडर है, वो उनकी बैठक हुई थी आरजेडी की और वो कह रहे हैं जो आपने बाइट अभी सुनी कि नीतीश कुमार ने यहाँ उनके विधेयकों को तोड़ने की कोशिश की है। तो उनकी जो पार्टी की मीटिंग चल रही थी उससे निकल कर फिलहाल ये बाइट देते, आपने देखा साथ में लालू प्रसाद यादव भी थे। ये फिलहाल कुछ फ्रेश पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, लेकिन चलिए हम फोकस कर रहे थे कैस्टर सीट पर। और मनोज जी जिस तरह से बता रहे थे कि यहाँ पर कैस्टर सीट में पहले तेजी आई थी और अब किशोर जी मनोज जी अब आगे का ट्रेंड आप हमें समझा रहे थे। बिल्कुल, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि प्राइस जो है 4,300 तक जो है बाउंस बैक किया था, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। दूसरी मुख्य बात यह है कि अभी जो मंथ है फेब्रुअरी एंड और मार्च, ये इस समय जो है अराइवल्स काफ़ी अच्छे होते हैं और जैसा कि हमने देखा है